मध्य प्रदेश सरकार अब पुनर्गठन करने जा रही है जिलों का, जिसमें की लोगों को समस्याओं से निदान मिलेगा। आइए जानते हैं हम जनता के बीच में जनता की राय की मध्य प्रदेश सरकार जो है पुनर्गठन करने जा रही है जिलों का क्या कहें। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो आम जनमानस के हर एक सुविधा को ध्यान रखते हुए अंत्योदय के लक्ष्य में काम करे और हमारी सरकार प्रतिबद्ध है चीजों को बेहतर बनाने के लिए। ये जो जिलों का पुनर्गठन होने जा रहा है इससे निश्चित रूप से जो आम जनमानस जिनको प्रत्येक जो आम जनता है उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी काम से सरकारी दफ्तरों में जाना होता है। कई बार ऐसा होता है कि जिला मुख्यालय बहुत दूर होने की वजह से आर्थिक शारीरिक और मानसिक रूप से उनको कई बार लंबी यात्रा तय करनी पड़ती है और जिस वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। निश्चित रूप से जो ये निर्णय है आदरणीय मोहन यादव जी की सरकार का, भारतीय जनता पार्टी सरकार का, कि जिलों का पुनर्गठन और सीमांकन निर्धारित किया जाए, इससे सुलभ होंगी आम जनमानस के जीवन में काफी प्रभाव आएंगे, वो आर्थिक मानसिक और शारीरिक रूप से इसमें बचेंगे और निश्चित रूप से एक बहुत ही बेहतरीन कदम है। प्रत्येक जनता इससे लाभान्वित होने जा रही किसी भी क्षेत्र में, खास करके सीमावर्ती क्षेत्र। आप किसी ऐसे जिला मुख्यालय में लीजिए जिनका कोई एक गांव 100 किलोमीटर दूर है, ऐसे ऐसे क्षेत्र में जनता को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ये पुनर्गठन से निश्चित रूप से आम जनमानस पे बहुत बड़ी संख्या में जो जनता है उनको लाभान्वित होने जा रही, ये निर्णय बहुत ही स्वागत योग्य। 68 साल बाद ये कोई मुख्यमंत्री जो आए हैं मोहन जी, इन्होंने ये फैसला लिया, अभी तक कोई नहीं ले पाता, तो क्या क्या कहेंगे अभी तक? जो भी फैसला मुख्यमंत्री जी ने लिया है वो स्वागत योग्य है। आम जनता का इतना काम कर रहे हैं और केंद्र सरकार भी आम जनता का इतना काम कर रही है, तो जो निर्णय वो लिया है वो काम करने के लिए लिया है। जो इसका विरोध कर रहा है वो काम करना ही नहीं चाहते। 10 किलोमीटर के दायरे में काम होगा तो इसमें कहीं ना कहीं आम जनता का भला है, बहुत बड़ा जनता को रहना बहुत ही खुशी है। आप जनता दोनों का भला होने वाला है, इसके लिए मैं मध्य प्रदेश के सरकार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। पुनर्गठन की मांग बहुत जोर से की जा रही है, सरकार से मांग की जा रही है। तहसीलों से काम आसान होगा, लोग तहसीलों में आसपास नदी पहुंच पाएंगे और मंडी दीप औद्योगिक नदी जो है उसका समुचित विकास हो पाएगा। कि मेरे साथ ये कहते हैं मुख्यमंत्री जी ने जनता की मूल समस्या को पहचाना और ये जो पुनर्गठन है ये जनता के हित में है। सबसे पहले तो अंग्रेजों के बनाए हुए जिले एवं संभाग हैं, ठीक है, उनसे जनता की निजात मिलेगी, इससे भोपाल वासियों को फायदा होगा। भोपाल से मात्र 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर के जो शहर हैं वो आ रहे हैं रायसेन जिले में, सीहोर जिले में, ठीक है, तो इससे सबसे बड़ा फायदा आम जनता को होगा क्योंकि जिला मुख्यालय या प्रदेश मुख्यालय से पास पड़ेगा किसी भी चीज को आगे जाने के लिए। अगर एक छोटी तहसील में कोई काम रहता है, ठीक है, उन्हें जिले में पहले जाना पड़ता है, 200 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। इसलिए मैं यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नए जिले बनाने की स्थिति लाभ मिलेगा, मोहन सरकार का बहुत अच्छा फैसला है और एक गरीब सबके लिए तो इसलिए निसंदेह बहुत अच्छा फैसला है क्योंकि एक गरीब मजदूर जो जिसकी दिहाड़ी 500-700 रुपए, वो पूरे दिन अगर अपना वहां पर तहसील जाने में 60-70 किलोमीटर पूरा दिन अपना बर्बाद करता था, उस दिन उसका काम ही नहीं हो पाता था, तो पास में तहसील हो जाने की वजह से उसका काम भी जल्दी हो सकेगा और उसकी बहुत बहुत साधुवाद है सरकार। पहले 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर से लोग आते थे तहसील ब्लॉक, जिससे कभी कभी क्या होता है कि जिसके पास वाहन है वो तो आ जाता है, लेकिन गरीब गुरबा मजदूर लोग जिन्हें पहले व्यवस्था करनी होती है, दूसरों के हाथ पे जोड़ने पड़ के, फिर आदमी पहुंचता था 3-4 बजे जब तक तहसीलों का काम ही खत्म हो जाता था। अब क्योंकि ब्लॉक तहसील सीमा पे ही बन जाएंगे, जगह जगह बन जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि आदमी नहीं तो ऑटो से चला जाएगा, रिक्शा से चला जाएगा, पैदल चला जाएगा, अब किसी के हाथ पर नहीं जोड़ना पड़ेगा और उसका बिल्कुल काम समय पे होगा और मैं बड़ी सराहना करता हूँ। सीमांकन कर रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है, जैसे आप देख ही रहे हैं प्रदेश में बहुत प्रगति हो रही है, प्रशासनिक स्तर पर भी तो समय के हिसाब से चलना जरूरी है। अब जैसे गांव के लोग हैं इतना दूर रहते हैं तो उनके लिए आना मुश्किल रहता है, अगर प्रशासन से जुड़े नहीं रहेंगे तो उनकी कठिनाइयां सुनी नहीं पाएंगे, तो ये बहुत अच्छी पहल है सरकार के पक्ष में, जिससे कि सारे नागरिकों जो दूर रहते हैं शहर उनको भी बहुत फायदा होगा। जनता बहुत ही इनके फैसले से खुश है और धन्यवाद दे रही है। कैमरामैन अमन के साथ।